नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों आज अहोई अष्टमी है एंड आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और आज जो पूजा का मुहूर्त है वो 5:42 से स्टार्ट है, तो मैं समथिंग जाऊँगी 6 बजे पूजा करने। एंड अभी तक मैंने साड़ी भी नहीं पहना है और अभी मुझे हलवा और पूरी भी बनाना है जो कि हम प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो अपना प्रसाद बना लेते हैं जो हमें चढ़ाना है। बाकी अभी सब्जी क्या बनाऊँगी शाम के लिए कुछ पता नहीं है, क्योंकि घर में कुछ सब्जी है नहीं और पूजा भी नहीं है, सूर्य के पापा भी अभी तक आए नहीं है, तो पता चले कि क्या बनाना है। अगर वो कुछ लेके आते हैं तो वो बनाऊंगी, नहीं तो अपना आलू की भंडारे वाली सब्जी जिंदाबाद है ही, तो आलू की भंडारे वाली सब्जी बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है पूरी के साथ, तो वो बनाऊंगी। बाकी हो सकता है मैं खीर भी बनाऊँ, लेकिन हलवा तो बनाऊंगी ही, क्योंकि अब इतना व्रत करने के बाद मीठा खाने ज़्यादा मन करता नहीं है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपनी साड़ी दिखा दूँ। तो आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, रेड कलर की है एंड इसका बॉर्डर देखिए काफ़ी हैवी है एंड बहुत ही प्रीटी लगता है मुझे ये साड़ी, तो आज मैं ये पहनूंगी। इसका ब्लाउज है एंड इसके साथ मैं ये चूड़ी पहनूंगी इसी के मैचिंग का रेड कलर का, एंड ये मैं कंगन पहनूंगी इसके साथ। बाकी ये मैं ग्रीन चूड़ी पहनूंगी क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन चूड़ी ज़रूर पहनी जाती है, तो मैं ये सब पहनने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने आटा लगा के रख लिया है पूरी के लिए एंड मैंने कढ़ाई ले ली है हलवा बनाने के लिए, तो कढ़ाई गर्म हो चुका है एंड इसमें हम डालेंगे घी। ये शुद्ध देसी घी है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, तो ज़्यादा हलवा तो मुझे बनाना नहीं है, थोड़ा ही बनाना है, इसलिए मैंने थोड़ा घी लिया है एंड थोड़ी सी ही सूजी लूँगी, थोड़ी सी और ले लेती हूँ एंड इसे अब हम फ्राई करेंगे। और मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम कर रखा है, इसे वैसे लो कर दूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी है, इसलिए मैं इसे और जल्दी 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 फ्राई कर रही हूँ ताकि जल्दी ब्राउन हो जाए। तो आप देख सकते हो ये ब्राउन हो चुका है समथिंग एंड मैंने यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है ताकि जल ना जाए। एंड इसमें पानी डालेंगे हम, पानी डालने के बाद थोड़ा सा चलाएंगे, उसके बाद चीनी डालूंगी, तो मैंने चीनी डाल के दूसरी तरफ रख दिया है पकने को। एंड अब मैं पूरी बनाऊंगी तो मैंने तेल डाल दिया, आप देख सकते हैं एक तरफ हलवा पक रहा है, एक तरफ मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है पूरी के लिए, तो थोड़ा सा हलवा चला लेती हूँ एंड तेल भी समथिंग गर्म हो चुका है, तो चलिए पूरी बनाते हैं। तो मुझे 8 पूरी बनानी है, तो मैं 8 लोई बनाऊंगी, 8 से ज़्यादा लोई नहीं बनाऊंगी, तो मैंने 8 लोई बना के धर दी है एंड तो चलिए पूरी बनाते हैं। अब देखिए मैं कितनी अच्छी पूरी बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा तेल लिया एंड इसे बेलूँगी मैं इतना अच्छा वैसे खाना बनाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बहुत अच्छा भी बनाती हूँ। तो पूरी मैंने बेल लिया है, एक साथ 2 पूरी डालूँगी इसमें, तो एक और बेल लेती हूँ ताकि एक साथ 2 पूरी बना लूँ। सो फ्रेंड्स, फटाफट मैं दूसरी लोई बेल लेती हूँ, तो दोनों लोई मैंने बेल ली है, इस तरीके से हम ऑयल में डालेंगे। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए पूरी के लिए, तभी पूरी अच्छी बनती है, फूली भी बनती है एंड इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी फूल चुकी है एंड इसे मैं पलट देती हूँ और ये तुरंत ही पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपका तेल अच्छे से गर्म है तो पूरी सिकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो हमारी पूरी सिक चुकी है एंड इसे मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी सारी पूरियाँ इसी तरीके से बेल के पका लूँगी। इस बार मैंने जो है 4 पूरियाँ डाली हैं इसमें और ये देख सकते हैं आप, हलवा भी बन चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट काम करते हैं, गैस ऑफ कर दिया मैंने, पूरी निकाल ली है और मेरी सारी पूरियाँ बन के तैयार हैं। हे गाइस, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं पूजा करने जा रही हूँ, अब शाम के समथिंग 6 बज गए हैं, तो 5:42 से मुहूर्त था, तो मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। लेकिन चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पूजा की विधि भी दिखाती हूँ, मैंने किस प्रकार से पूजा किया, ठीक है, चलिए। तो दोस्तों मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान जो है तैयार कर लिया है। और अष्टमी की जो तस्वीर आती है उसको यहाँ पर चिपकाया है आटे की लोई से, बाकी ये है तस्वीर। उसके बाद देखिए ये करवा है जिसे कि हम तारों को जल देंगे, तो इसके नीचे मैंने थोड़ा सा चावल रखा है और इस जैसे देख सकते हैं ना, इस पे रखा है मैंने, वैसे इस पे रखा है, तो इस तरह के चावल रखा है। बाकी मैंने हलवा पूरी बनाई है, 8 पूरी बनाई है, थोड़ा सा हलवा बनाया है तो इसे यहाँ रख देती हूँ चढ़ाने के लिए। बाकी इसके बाद जो मैंने यहाँ पर भी जो हमारे भगवान जी, इनके लिए मैंने दीप जला रखा है,
और एक दीपिया मैंने जला दिया। बाकी रुपए चढ़ाने होते हैं तो मैंने वो लिया है, बाकी रोली हल्दी चावल लिया हुआ है, ये लिया है मैंने मोली, तो इसको मैं करवे भी बांधूंगी, देन मैं इनको करवा माँ को चढ़ाऊंगी। तो चलिए मैं अब अपना नेक्स्ट काम करती हूँ। ये स्याही माँ, ये देखिए ये है स्याही माँ, और इसमें हर साल आपको मोती डलवाना पड़ता है। जैसे कि आपके दो बच्चे हैं तो आप चार मोती डलवाएंगे, एक बच्चा है तो दो मोती डलवाएंगे। तो ये मैंने इस साल डाला है, बाकी ये मैंने पिछले साल के मोती हैं, तो इस तरीके से इसकी भी पूजा करेंगे हम। एंड पूजा करने के बाद जो है तपस्या करने के बाद इसे हम धारण करेंगे। तो चलिए पूजा करना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। दोस्तों मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं ये अपने गले में धारण करूँगी, उसके बाद ही कथा सुनते हैं। तो चलिए मैं इसे गले में धारण कर लेती हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है कि गेहूँ के या फिर चावल के जो है सात दाने आपको अपने हाथों में रख के कथा सुनना होता है। तो मैं यहाँ पे चावल ले रही हूँ, गेहूँ नहीं मेरे पास, तो सात दाने चावल के लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने चार दिन सात दाने गेहूं के ले लिए हैं। तो मैं इसे सीधे हाथ पे लूँगी एंड इसको जो है मुट्ठी बंद करके कथा करूँगी। तो चलिए कथा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कथा हम पढ़ते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके सात लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई, और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उस ही जगह पर एक सह की मात थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सह के बच्चे को लग गई, जिससे सह का बच्चा उसी क्षण मर गया या हत्या हुई। देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात एक वर्ष में उसके सातों लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री दिन रात अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी, जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सह का बच्चा मर गया, तभी से एक वर्ष के भीतर भीतर सातों लड़के मर गए। यह सुनकर उस स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरे आधे पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तू उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह और सह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात सुनकर उस स्त्री ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत में पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से सात पुत्र प्राप्त हुए, तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा, आरती श्री अहोई माता जी की। तो दोस्तों मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है, मैं अहोई माता को प्रणाम करके उठने वाली हूँ। एंड शाम बिल्कुल हो चुका है, तो तारा निकलने का समय भी हो गया है। तो अब मैं यहाँ से मैं जाती हूँ और देख के आती हूँ कि तारा अभी तक निकला है या नहीं निकला है। तो दोस्तों तारा तो मुझे दिख रहा है लेकिन कैमरा में आ नहीं रहा है, तो मैं अंदर जाती हूँ अपना सारा पूजा का सामान लेके आती हूँ। तो दोस्तों मैं अपना सारा सामान लेके आ चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे, एंड सूर्य सो रहा था उसे मैं जगा के लेके आई हूँ अभी। Thank you.
थैंक यू। आप ही हो गए? क्या हुआ? नहीं आप अलग गिलास में पी लो, ठीक है? मम्मा को पिला दो, मम्मा को पिला दो, पकड़ो पकड़ो, मम्मा को पिला दो, मम्मा को, मम्मा मम्मा को लो। अच्छा तो देखो बाय कर दो, बाय बाय बोलो। आई एम सूर्या, बोलो आई एम सूर्या, बोल दो बेटा उधर देख के बोलो। तो आपने नया टी शर्ट पहन लिया, मम्मा आपके लिए लेके आई थी वाला। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो दोस्तों मैंने अपना व्रत खोल लिया है अभी, बाकी पानी पी लिया सूर्य के हाथों से, एंड अभी मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों की भी अहोई अष्टमी अच्छी गई होगी, और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते। अच्छा मम्मा को पूछ नहीं दोगे आप?